थायरोकेयर, रणधीर जी, लाल पैथ लैब फ्यूचर सेगमेंट पर है, वहाँ पे भी ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाई जा सकती है, बट नो पोजिशनली मुझे थायरोकेयर इस लेवल्स पर काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है अनिल जी। एक अच्छा खासा 3 क्वार्टर से हमें इसका एक नेगेटिव क्लोज देखने मिला। ये करेक्शन में इसने अपने प्रीवियस जो मूव था उसका ऑलमोस्ट 61 to 60 रिट्रेसमेंट कर चुका है। ये स्टॉक इंडिकेटर्स काफी ओवरसोल्ड हो चुके हैं और रिसेंट जो अनिल जी एक बाउंस हमें देखने मिला ये स्टॉक में फ्रॉम द लोज ऑफ ऑलमोस्ट 750 अंटिल द लेवल्स ऑफ 900, ये एक अच्छा इंपल्सिव मूव है। विद दिस काइंड ऑफ अ रिवर्सल इन दिस इंडिकेटर्स प्राइस एक्शन जो देखने मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जी नो पोजिशनली ये स्टॉक में 40 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, विच कुड बी एज मच एज 380 रुपीज अपसाइड फ्रॉम हियर ऑन। स्टॉप लॉस एनर्जी यहाँ पे प्लेस करना है 725 रुपए का, विच कुड बी एज नो एज मच एज 100 रुपीज। सो एनर्जी 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड इसका पोजिशनली बन रहा है थायरोकेयर का, और इस लेवल्स पर मुझे ऐसा लग रहा है जो हिसाब से शॉर्ट टर्म में अपने 50 डे वहां पर ये सपोर्ट ले रहा है, इनफैक्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को भी एनर्जी खरीदना होगा तो उनके लिए स्टॉप लॉस करीब करीब 790 का होगा, और पोजिशनली 725 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदे 1140 के टारगेट्स के लिए।